हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नियो वल्टेक। दोस्तों मेरा नाम है नवीन और दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए पोस्ट ऑफिस की एक नई भर्ती की जानकारी लेकर आए हैं, क्योंकि इस साल 2023 की बंपर वैकेंसी होने वाली है। दोस्तों अगर आपने ग्रामीण डाक सेवक GDS की भर्ती के लिए अप्लाई किया था, अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो GDS के बाद में अब आप सभी के लिए आ रही है नई भर्ती। यहाँ पर जो भर्ती है दोस्तों MTS की भर्ती आपको देखने को मिल रही है, साथ ही साथ पोस्टमैन की वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो पोस्टमैन की वैकेंसी भी यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल रही है और मेल गार्ड की भर्ती भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इस साल 2023 में आप जो है पोस्ट ऑफिस में एक नौकरी पा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों GDS में 40,000 से अधिक वैकेंसी निकाली गई थी, वही दोस्तों अब यहां पर जो निकाली जा रही है वैकेंसी MTS पोस्टमैन और मेल गार्ड की, ये तकरीबन 1,00,000 वैकेंसी है। ठीक है, तो 1,00,000 यहां पर और भर्ती आपको देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इस साल 2023 में लगभग 1.5 लाख भर्तियां आपको पोस्ट ऑफिस में देखने को मिली है। तो दोस्तों आप सभी के लिए सुनहरा अवसर है पोस्ट ऑफिस की इन भर्तियों में सिलेक्शन पाने का, क्योंकि दोस्तों यहां पर आपने देखा होगा कि GDS के लिए भी कोई भी एग्जाम नहीं था, वही दोस्तों यहां पर जो MTS की भर्ती निकाली जाएगी पोस्टमैन की मेल गार्ड की, तो यहां पर भी आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बिना एग्जाम के अब तक की ये भर्तियां निकाली जा रही है। अगर आगे जाकर के सर्कुलर चेंज होता है तो वो अपडेट हम आपको कर देंगे कि यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, बट अभी तक का जो अपडेट हमारे पास है वो बिना एग्जाम के सीधी भर्ती का है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो काफी खास होने वाला है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए। और आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी हो। रोजाना इसी प्रकार सरकारी नौकरी की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा करके ऑल कर दें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं सीधा ऑफिशियल वेबसाइट की ओर, जहां पर हम आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी देंगे। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है tipswarrantbus.xyz। दोस्तों यहां पर आपको सबसे पहले लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की अपडेट दी जाती है, जो भी नई वैकेंसी की अपडेट आती है वो आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि इंडिया पोस्ट ऑफिस के डिपार्टमेंट से निकाली गई है। दोस्तों यहां पर जो वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं MTS की वैकेंसी है, पोस्टमैन की है और मेल गार्ड की है। एक बात और आपको बता दें दोस्तों, यहां पर जो वैकेंसी निकाली जाएगी पोस्टमैन और मेल गार्ड की एक साथ वैकेंसी निकाली जाएगी, वही दोस्तों MTS की वैकेंसी अलग निकाली जाएगी। MTS की वैकेंसी के लिए केवल 10वीं पास, ठीक है, अगर आप 10th क्लास पास है तो अप्लाई कर सकते हैं MTS की इस पोस्ट के लिए। वही दोस्तों अगर आप 12वीं कक्षा पास है तो आप पोस्ट ऑफिस की भर्ती की पोस्टमैन की भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पोस्टमैन की भर्ती के लिए केवल 12वीं कक्षा पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, वही मेल गार्ड के लिए 12वीं और ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार यहां पर क्वालिफिकेशन रखी गई है। वही दोस्तों आपको बता दें, जैसा कि GDS के आवेदन ऑनलाइन मांगे थे तो इसी वैकेंसी के आवेदन भी आपसे ऑनलाइन ही मांगे जाएंगे। ठीक है, अलग अलग स्टेट से यहां पर लिंक आपको दिया जाएगा, वहां से आप अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वैकेंसी के लिए जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं वो ऑल इंडिया के मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो आप भारत के किसी भी स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वही दोस्तों अब तक जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो केवल मेरिट के बेसिस पे रहेगा, यहाँ पर आपको ना तो परीक्षा होगी ना ही कोई आपका इंटरव्यू होगा, सीधी भर्ती है। सैलरी की बात की जाए तो 18,000 से 81,000 रुपए पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी। और दोस्तों इस वैकेंसी के लिए जो एज लिमिट है यानी कि जो उम्र की सीमा है वो कम से कम 18 साल है, अधिकतम जो है 40 साल है। तो अगर आपकी दोस्तों एज है 18 से 40 साल तक की तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा रिलेक्सेशन भी आपको मिलेगा अगर आप यहाँ पर SC या फिर अगर आप ST के कैंडिडेट हैं, या फिर अगर आप OBC के NCL के कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो NCL के अगर आप कैंडिडेट हैं OBC के तो आपको यहाँ पर ICU में छूट का बेनिफिट भी मिलेगा। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो यहाँ पर जनरल OBC के लिए केवल 100 रुपए रहेगा, जिसका पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा, बाकी SC ST से कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई दी है कि 10वीं पास से लेकर के 12वीं और ग्रेजुएट पास सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं लगभग 1,00,000 भर्ती आपको यहां पर देखने को मिलेगी। काफी लंबे समय से ये भर्ती पेंडिंग है और इस वैकेंसी को फुलफिल करना है, जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, चुनाव को लेकर के भर्ती भी आपके सामने आ रही है। वही दोस्तों इस भर्ती के आवेदन कब से कब तक चलेंगे, तो ये सवाल आप सभी के लिए बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि काफी सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस की इस भर्ती का। दोस्तों इसके आवेदन जो है आपको बता दें कि अप्रैल के लास्ट वीक में होने की पूरी संभावना है, तो अप्रैल के लास्ट वीक तक आप इंतजार कीजिएगा इस भर्ती का, जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और आवेदन जो है आपके मई तक चलेंगे। ठीक है, जैसे इसका फुल डिटेल्स में नोटिफिकेशन आता है साथ ही साथ इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे, तो चरण के माध्यम से आपको सबसे पहले जानकारी दी जाएगी।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, आने वाली आपको सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिलने वाली है। यहाँ पर आपको लिंक भी मिल जाएगा और आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट tipsworldbus.xyz पर विजिट करते रहे, यहाँ पर भी आपको रोजाना नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।